देहरादून से उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में यह अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये तमाम इलाकों में उत्तराखंड में जो है बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में ये अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है और इसी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको क्षेत्रों के नाम भी हम बता रहे हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में ये बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ ये वो इलाके जिसमें अलर्ट जारी किया गया है बारिश और बर्फबारी को लेकर। इससे बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर, 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखा जाए उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम देखें तो जो मैदानी जिले हैं, सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बादल छाए हुए हैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में। पहाड़ों में भी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, अगर हम देखें जो चमोली और रुद्रप्रयाग का इलाका है, पिथौरागढ़ का, नैनीताल का इलाका है, इन इलाकों में अभी भी बादल छाए हुए हैं और वहाँ बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं और मौसम विभाग ने जताया है कि शाम तक वहाँ बर्फबारी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आज जिस तरीके से सोमवार है, 26 तारीख है, कल 27 तारीख है, यानी 2 दिनों तक अभी बारिश और बर्फबारी की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ देखी जा रही हैं। और इसके पहले भी अगर हम देखें तो 2 दिन पहले भी जो पहाड़ों में बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड हवा, जो सर्दीली हवाएं चल रही हैं, इससे तापमान में जो गिरावट है वो देखी जा रही है। और एक बार फिर जो ठंड का जो असर है वो साफ तौर पे उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में देखा जा रहा है। तो कुल मिला के आज भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, कभी धूप और कभी छांव मैदानी इलाकों में। यानी कुल मिलाकर 7 जिलों में फिलहाल के लिए बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।